तो भाई साहब, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आप सोचोगे समर भाई तो यहाँ पर क्या कर रहा है स्टोर में। भाई यहाँ पे मैं कुछ चीज लेना हूँ गाइस, काफी प्रॉब्लम है, बल्कि गाइस ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गाइस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप जानते हो गाइस कुछ ना कुछ मैं प्रॉब्लम सोल्व करता ही रहता हूँ व्लॉग के जरिए। तो भाई दिक्कत ये देखो, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि भाई इसकी नहीं चलते हैं। देखो भाई ये आपके साथ भी दिक्कत, देखो भाई साहब ये जो, देखो ये जो नट है ना, देखो ये वाला जो नट है ये भाई साहब डील, देखो भाई ओहो पानी लीकेज कर रहा है। ये जो दिक्कत है ना, दिक्कत भाई ये की देखो टंकी जो है ना ये ढील हो जाती है। उसके बाद देखो ये जो नट भाई, ये भाई साहब टाइट नहीं होता, नहीं खुलता ना टाइट होता भाई। यहाँ पर कोई प्लायर भी नहीं चलता, यहाँ पर कोई चाबी भी नहीं चलती, मतलब यहाँ पर कोई टूल नहीं चलता, मेन चीज है। तो भाई साहब घर के नीचे की टंकी दोनों मैंने निकाल रखी है भाई, मैं निकाल के टंकी की टाइट तो कर ली, लेकिन भाई ये जो नट है ना ये मेरे से भाई नहीं टाइट हो पाया। मतलब भाई कोई औजार नहीं चल रहा, कोई हाथ नहीं चल रहा, मतलब कोई भी टूल नहीं चल रहा, औजार नहीं चल रहा, यहाँ तक कि भाई मेरा हाथ भी अच्छे से नहीं चल रहा। तो भाई मैं इसकी आज चाय बनाने वाला हूँ, मतलब एक जुगाड़ चाबी होगी बिल्कुल भाई साहब, जो स्पेशल इसी के लिए बनी होगी। और भाई जिनका काम है ना इस तरह का, मतलब भाई जो क्या कहते हैं इसे, प्लम्बर कहते हैं शायद उसे, प्लम्बर गलत कहते हैं, प्लम्बर होता है वो, बी साइलेंट होता है। तो भाई साहब उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक टूल होगा। आज तक ऐसी टूल किसी ने देखा नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा अलग डिजाइन की टूल बनेगा, तो देखते हैं भाई क्या होता है। वो लगता है फौजी भाई आने वाले हैं, आने वाले नहीं फौजी भाई आ गए हैं। भाई मैन इन ब्लैक, मैं फौजी भाई, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। क्या खा तुमने सुबह सुबह? मूली के पराठे, पालक के पराठे, ओ पराठे पराठे, मैं पराठे कहते हैं, पराठे कहते हैं। ये भैया दिल्ली में बड़े पले हैं, दिल्ली में लोग पराठे कहते हैं, पराठे कहते हैं। भाई दिल्ली में क्या पराठे, पराठे कहते हैं यार दिल्ली में भाई। मौसी कर रहे थे, काफी टाइम हमारी मौसी कर रहे हैं ये, तो वहाँ के थोड़े से लैंग्वेज चेंज है। खैर जो बात है गाइस, हम आते हैं टूल पर। भाई यकीन मानिए मैं अगर आपको दिखाऊं ना भाई, नीचे चला गाइस, मैं आपको एक बार नीचे भी दिखाता हूँ भाई दिक्कत क्या आ रही है। बिल्कुल मतलब मुझे टूल बनाना क्यों पड़ रहा है इमरजेंसी में, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो टंकी तो भाई मैंने टाइट कर दी, देखो ये मतलब ये तो घूम जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मैंने बिल्कुल टाइट कर दी ना, नहीं चलते। देखो भाई साहब ये रहा इसका नट, ठीक है भाई साहब इसके अंदर तो भाई बड़ी दिक्कत। देखो भाई साहब देख रहा भाई ये जो नट है ना, यहाँ पे भाई साहब ना कोई प्लायर चलता। देखो हाथ भाई बड़े मस्त हो जाते हैं, मतलब प्लायर क्या चल जाएगा, इतना छोटा प्लायर होता है तो ऐसे वो चलता ही नहीं इसके अंदर। देखो यार बड़ी दिक्कत है, एक और दिखाता हूँ। देखो भाई साहब ये रहा इसका तो भाई नटी बाहर आ गया, देखो लीकेज, देखो ये लीकेज है, यहाँ से पानी बह रहा है भाई, यहाँ से मैं इसे बंद करता हूँ नीचे से, क्योंकि भाई साहब जो प्लम्बर था उसने जो ना नीचे वाशर नहीं लगाया, शायद कोई बदतमीज प्लम्बर था, नीचे वाशर लगाना चाहिए भाई। अपना काम बनता है, भाड़ मजा जनता को ज्यादा हिसाब है ना लोगों का, तो अपना काम होना चाहिए, बाकी भाड़ मजाओ सब, ठीक है। हमारा अपना काम हो गया, दबाओ सब, पैसे लेकर पहुंच गए, एक साल बाद गई चीज दिक्कत करती है। तुरंत दिक्कत नहीं करती, कभी कभी तुरंत कर देती है। तो भाई एक डेढ़ साल हो गया है ना, और भाई अभी इतनी दिक्कत कर रही है बहुत ज्यादा। तो भाई कोई चाबी नहीं चल रही है, तो गाइस आज हम चाय बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई बन पाते नहीं बन पाती है। तो भाई इस जुगाड़ को बनाने के लिए हमें चाहिए गाइस एक लोहे की पत्ती। वैसे भाई यहाँ काफी लोहे की पत्ती है, वैसे भाई इसका बन सकता है, ये स्क्वायर पाइप एक, वैसे भाई इस पत्ते का बन जाता। सामान की बहुत बड़ी टेंशन होती भी एक लोंडे को, एक पाइप ऐसे का देख रहा मेरे को भाई, ये अगर पाइप पाइप पड़ेगा अभी भारी है और ये ऐसे घूम भी जाएगा। इतना टाइट नहीं करना कि भाई मतलब कि फ्री कर देने चुकी, मतलब ठीक है इसके अंदर वाल लगा रहता है तो नॉर्मल टाइट होता है, प्लास्टिक के वाल से भी टाइट रहता है ना। ये वाली पत्तियां बस, ये वाली तो ले लेंगे भैया एक पाइप, ठीक है। और भाई ले लेंगे एक थोड़ी सी मोटी सी क्यूट सी लोहे की पत्ती। गाइस मेरे बालों मत जाना भाई, ये लंबे ज्यादा हो गए तो भाई मैंने कटवाऊंगा, ज्यादा खड़े होते हैं लोग पूछते हैं समय तुम्हारे बाल खड़े कैसे रहते हैं। भाई मुझे डेली करंट लगता है, नहीं लगता तो मैं लगा लेता हूँ जिससे कि मेरे बाल खड़े हो जाए। तो गाइस मेरे बाल थोड़े ज्यादा खड़े रहते हैं जस्ट जो की। चलो भाई ये ले लेते हैं, थोड़ी देर इस मोटी पत्ती है। और भाई इसे थोड़ा सा अलग डिजाइन से बनेंगे, ऐसा नहीं थोड़ा अलग डिजाइन से, जैसे गाइस अच्छे से फिटिंग आ जाए और हमें इस नट को कसने में आसानी हो। देखो भाई मैं इस नट की बात नहीं कर रहा हूँ, गाइस ये वाला नट तो कस जाता है, कैसे कस जाता है बहुत ही, इसे यहाँ पे लगाओ और भाई इस मशीन को घुमा दो तो गाइस ये नट तो लग जाता है, इसकी दिक्कत नहीं है, ये वाला लग जाता है। इसको जो पाइप लगता है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो भाई ये वाला जो नट है ना गाइस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ससुरा टाइट नहीं होता, मतलब यहाँ तो लग जाता है पर पीछे ऊपर इसके अंदर गाइस कोई भी टूल नहीं चलता। तो भाई हमें इस नट की बराबरी एक चाय बनानी है, जुगाड़ बनाना है थोड़ा यूनिक टाइप से। चले गए शुरू करते हैं फटाफट। हाँ तो भाई सैंपल के लिए भैया नीचे से ये बात भी इसमें से खोल के लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और इस नट की बराबर का इस हमें एक चाय बनानी है, एक जुगाड़ बनाना है, ठीक है भाई अलग तरीके से। तो भाई हमें चाहिए कि पाइप, आप पत्ती भी ले सकते हो लोहेगी, तो ये पाइप है तो पाइप ले लिया, छोटा सा टुकड़ा लोहे का, फटाफट गई इससे बनाते। भाई साहब ये बनी है हमारी चाबी, कुछ इस तरीके से बनाई है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। और भाई मैंने इसके नीचे कोई भी रोड नहीं लगाई, जैसे कहीं से टी बना सकते थे, क्योंकि भाई साहब इस नट को इतना
टाइट करने जो तो नहीं पड़ती। तो गाइस देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉल लगा होता है, बस गाइस अच्छी तरह टाइट हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं करना होता है वरना गाइस ये टूट जाएगा, इतना मजबूत ये नहीं होता नट। ठीक है तो भाई देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले भाई हम इसी पर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है एक बात और भाई देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ दिखाता हूँ जो भी दिखाता हूँ। देखो भाई ये जो है ना मैं थोड़ा सा लूज रखा है, देखो यार गाइस मैंने बिल्कुल मिला कर रखा था पहले इसे, पर मुझे थोड़ा सा लूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये तो साफ है, ठीक है ना, लेकिन भाई जो लगा होता है ना वो इस पर काफी ज्यादा डस्ट धूल चिपकी रहती है, काफी कार्बन चिपका रहता है, तो भाई वो इसमें अच्छे से नहीं आ पाता। भाई थोड़ा सा हमें लूज चाहिए, क्योंकि भाई ये तो साफ है, ये तो नया है, मतलब नया तो नहीं है लेकिन भाई ये क्लीन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ। तो भाई सीधा चलते हैं नीचे। देखो भाई इसमें देखो कितना रस्ट इस पर लगा हुआ है, तो भाई दिक्कत होती है कुछ नहीं होता। तो भाई साहब इसे बाजार घूम क्या करेंगे। देखो भाई ये ऐसा लग जाएगा, देखो भाई लग गया ऐसा, देखो ये रहा। देखो भाई हाँ से गाइस आराम से देखो मैं कर सकता हूँ, देखो ये रहा, देखो ये रहा, कोई चाबी की जरूरत नहीं है किसी भी। देखो ये रहा बिल्कुल टाइट, देखो ऊपर से टंकी घूम रही होगी, देखो ऊपर से पकड़नी पड़ेगी हमें जब जगह भाई ये जो नट है ये टाइट कर सकते हैं। तो भाई एक बार मैं जरा खोल के जो ना आपको खोल के भी दिखाऊंगा अच्छे से और टाइट करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं इसे बंद कर लेते हैं भाई जिससे पानी ना निकले। तो भाई दिखाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे लगाया, देखो ये इस तरीके से ऊपर से टंकी जो पकड़नी पड़ रही है, देखो भाई ये घूम रहा है, जबकि भाई साहब बहुत ज्यादा परेशानी से गाइस निकलता है, जबकि देखो भाई इस टूल से कितने आते रहते निकल रहा है। गाइस यहाँ पे एक दिक्कत होगी भाई, नट बहुत टाइट था, मतलब कि भाई टाइट तो किया होगा लेकिन भाई इस पर रस्ट लग जाता है ना, और गाइस काफी समय से खुला नहीं था तो भाई वो ऐसे हाथ स्लिप हो रहा था। तो गाइस यहाँ मैंने एक सपोर्ट के लिए अलग से एक छोटा सा पाइप ऐसे लगा दिया, ठीक है, सगाई चीज पकड़ से घुमा सके। मैंने दोनों तरफ नहीं लगाया, इसका टी नहीं बनाया, इसका एल बना दिया। जिंदगी गाइस ऑलरेडी हमारी एल लगी पड़ी है, तो भाई सोचे कि चलो भाई एल लगी पड़ी तो एल ही बना देते हैं। ठीक है चलो भाई फटाफट खोलते हैं, इसका बाप भी खुलेगा पता ना। खुल गया कितना गंदा हो रहा है अंदर से। तो भाई साहब ये हमारी टंकी देखो, ये तो ऑलरेडी लूज ही पड़ा है। देखो यार ये जो डाला था भाई ये मतलब क्या है, ना ये वाशर है ना ये रबड़ है, ये है क्या वाला डाला। देखो ये डाला इन्होंने यार, स्लाइड सबसे बढ़िया चीज बने इसने बनाई है साहब, पता ना कितने काम का इसे कर देता है लोटा। ठीक है बोलिया, और लगता है गाइस हमें सरसों का तेल लाना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तेल। ये जो ऑयल है जब हम टीन कनस्तर काटते हैं ना, कूला वूला बनाते हैं मतलब टीन कनस्तर का, तो भाई कबाड़ में चलाते हैं ना, तो भाई इतना सारा देखो उसमें तो ऑयल निकला हुआ है, मतलब तीन चार पांच कनस्तर जो हमने काटेंगे अभी तक, तो भाई काफी सारा ऑयल है। तो गाइस ऑयल बेकार है, मतलब पीने योग्य नहीं है ये, खाने पीने योग्य, ये दरवाजे वरवाजे में डल जाता है बस ये। देखो भाई सब, देखो भाई कैसे मक्खन जा रहा है, बस हो गया काम, थोड़ी देर हाथ जरूर हो गए तेल में लेकिन खैर बड़े हो गए काम जो बात है। देखो अभी ऐसे ही निकल गया आसानी से। और भाई ये मैं वाशर लेकर आया 10 रुपए का, जो टंकी वाले होते हैं ना यहाँ पर सामान मिलता है इनके फिटिंग विटिंग का, भाई वही स्टील का है तो भाई इसे लगाएंगे, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं भाई साफ। मुझे अपने काम में क्या शरमाना, ये भाई साहब बहुत काम की चीज है लोहे वाला जूरा। वैसे गाइस टंकी के नीचे का रबड़ का वाशर लग जाता ना तो भाई ऐसे नहीं घूमती है ना, वैसे मैं इसे टाइट कर दूंगा, इस तरह से बिल्कुल भी ना घूमे भाई। इसमें तो थोड़ी जगह है भी जिससे छोटा वाला वाश बेस है ना भाई, इसमें हाथ भी नहीं चलता, इसमें हाथ चल रहा है तो बड़ा है यार, ये अच्छे से टाइट हो रहा है जो बात है। ये भाई मेरे दांत मारने वाला ब्रश कह सकते हो, इससे दांत एक बार में साफ हो जाते हैं, सस्ते में बहुत कार्बन जम रहा है, बहुत ज्यादा जो वाटर था हार्ड वाटर सारे कैल्शियम विटामिन प्रोटीन इसमें जाएंगे। बिल्कुल साफ लौंडा बिल्कुल बढ़िया, पानी अभी तेल ही आएगा जो बात है। चलो भाई लगाते हैं, जितना हाथ से टाइट हो जाए उतना हाथ से टाइट कर दूंगा, बस इससे ज्यादा टाइट नहीं होगा। और भाई अब लेते हैं अपना औजार, ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया टाइट कर रहा है। तो गाइस चालू करके देखते हैं, काफी अच्छा टाइट हो गया है, निकलते नहीं रहा पानी, नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। ठीक है आ गया पानी, आ गया भाई, टंकी बढ़िया होगी टाइट बिल्कुल। तो भाई इसके नीचे हमने वाशर नहीं लगा इसलिए थोड़ा सा घूम जाएगा। तो भाई वाश तो गाइस मेरे को मिला नहीं, मैं गया था ना इसे लेने, आज से गाइस वैसे साइकिल की ट्यूब लगा सकते हैं या बाइक की ट्यूब लगा सकते हैं, मजबूरी में क्या करें जुगाड़, क्योंकि भाई साहब ये वाले टूल भी एक जुगाड़ ही है। तो भाई साहब फटाफट पहले नीचे कर लेता हूँ टंकी, और क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो नीचे वाले में ज्यादा है। ठीक है ये तो गाइस मैंने ठीक कर दी, रिपेयर कर दिया, तो भाई पहले उन्हें लगाता हूं, फिर आपको दिखा के वीडियो का फटाफट एंड करते हैं। तो लीजिए भाई साहब ये बढ़िया होगी, अच्छे से गाइस टाइट होकर लगा देते बढ़िया। ठीक है और ये पानी यहाँ से निकल रहा है, से कभी आपको लगे ठीक है ऐसे देखो दीवार से, देखो भाई यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है बढ़िया, और ये चल रहा है, और भाई ये भी लग गया। तो गाइस काफी काम की चीज है, और भाई ये लोहा है देखिए, अभी से भाई इस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो गया, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा आधा घंटा हो गया होगा भाई, इससे काफी हेल्प मिल रही है
है ना, इस तरह टाइट करने में। अगर गाइस ये नहीं लगाते तो काफी दिक्कत होती है भाई, ये इस तरह तो हाथ में स्लिप होता है, इससे पकड़ कर लेते ना काम, तो भाई ऐसे मस्त बिल्कुल ठिशियां। तो भाई सिंपल सा टूल है लेकिन गाइस काम का टूल है, और अगर गाइस हम इंडियन लोग भी ऐसे जुगाड़ ना कर सके तो गाइस हमारा क्या फायदा। तो भैया फटाफट एंड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। तो भैया टाइम हो गया है 1:10, तो भाई सब ब्लॉग का एंड करते हैं। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस अपने घर में ऐसा कोई टूल बनाकर रखें जिससे गाइस काम आए। इमरजेंसी में बहुत परेशानी थी भाई, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी थी भाई, तो मैं तो भाई परेशान हो गया। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, कुछ ऐसे कहते हैं, भूल गया मैंने, लेकिन है कुछ भावनाओं को समझे मेरी, मतलब जब हमें जरूरत होती है ना किसी चीज की, तब गाइस हम कुछ चीज बनाते हैं जिससे गाइस वो हमारा काम आसान कर दे और फास्ट भी कर दे। तो प्लीज दोस्तों लाइक करो और सब्सक्राइब करो गाइस, जो बताए ये टूल आपको कैसा लगा, जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी हो जाएगी। बाय बाय।